नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मुहाना मंडी में हैं और आज के इस वीडियो में आलू की रिपोर्ट देने वाले हैं। क्या बाजार देखने को मिला है, कितनी आवक देखने को मिल रही है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। कैसे हो सर? बढ़िया साहब। तो सर आज प्याज का बाजार नहीं पूछेंगे, अब आलू की वीडियो स्पेशली शुरू करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज आलू का क्या बाजार देखने को मिला? आलू का बाजार सर 5 रुपए से लेके 8 रुपए किलो। अच्छा जी सर, 5 रुपए से 8 रुपए यही चल रहा है आलू, बहुत दिन से यही भाव चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कहाँ से आलू आ रहा है? पहले आलू देखो, अभी जैसे हरियाणा का तो कम हो गया, हरियाणा से भी आ रहा है। बिल्कुल, बीच में टोटल ज्यादा हरियाणा आ रहा था, हरियाणा से आ रहा है। अपने यूपी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र है, संभल से भी आ रहा है। संभल भी यूपी में पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी संभल से ज्यादा आ रहा है, इधर मैनपुरी साइड से ये भी यूपी में, वो भी वहां से आ रहा है, और थोड़ा आगरा साइड से आ रहा है। अच्छा जी अच्छा। ऐसे करके 50-55 गाड़ियां डेली आ रही है सर। और खपत हो जाती है अपने यहाँ? खपत अभी पूरी नहीं होगी, ये सीधा माल कहीं कहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा जी। जैसे लोकल में हम आवर लग गए, जैसे डोसा लग गया, कोटवी लग गया, या चौमू लग गया, सीकर चले गए सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। तो खपत ज्यादा, कोटा का लोकल चल रहा है, वहाँ नया आलू चल रहा है, तो कोटा की डिमांड यहाँ से नहीं है, वहीं से उनका पूर्ति हो रही है। तो खपत जैसे जो स्टोर टाइम होती है ना, उतनी खपत नहीं है। अभी कुछ दिन बाद जैसे कुछ माल बंद हो जाए, टोटल बंद हो जाएगा आना, संभल भी थोड़ा आना बंद हो जाएगा, फिर यहाँ खपत बढ़ेगी। अच्छा जी। तो अभी मान लो ये नया आलू आ रहा है, तो कितनी गाड़ियां खपत हो जाती है अपने यहाँ? खपत करीब करीब 40-45 गाड़ी हो जाती है। 40-45 गाड़ियां हो जाती है। हाँ। और जैसे 50 भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ये स्टोर का आएगा तो उसके बाद तो 90-100 गाड़ियां आती हैं सर, स्टोर भरने से पहले। बिल्कुल, 90-100 गाड़ियां, तो कोल्ड भी जाता है। बिल्कुल, खपत भी बढ़ती है चारों तरफ, भंडार करते लोग वो भी खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करके उसमें थोड़ा बढ़ जाती है, 70-80 गाड़ी बिकना शुरू हो जाती है। फिर जब कोल्ड का निकल के चालू होता है ना कोल्ड का, फिर वो ही 40-50 गाड़ी 50 पर रह जाती है। तो सर कौन कौन सा आलू आ रहा है सर? आलू तो अभी कच्चा ही आ रहा है, कच्चे में सब वैरायटी ज्यादा आ रहा है। अच्छा जी। अभी वैरायटी में कई आती है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो हाइब्रिड में, जो हाइब्रिड बोलते हैं टोटल, तो उसको मतलब अभी पता ही नहीं चलता है कि कच्चे कौन सा, कच्चा नहीं पता चलता है। बिल्कुल, कच्चे छिलका है इसका, देखो छिलका उधड़ा हुआ है। अब वो जैसे ये है तो हाइब्रिड में ही। अच्छा जी। अब कौन सी क्वालिटी ज्यादा ये पता नहीं लग पाती, पता नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब छिलका पक जाए पता चलता है। दूसरा क्या है, अभी जैसे 302 भी आ रहा है। अच्छा जी। हाइब्रिड में कई क्वालिटी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे आ रहे हैं। और ये जैसे ओलैंड में लाल है, ये भी छोटा ही है, जैसे पक जाता है बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। ये क्वालिटी अभी तो ये 7 रुपए के आसपास बिक रहा है। अच्छा जी। जैसे वो 6.5 बिका है, ये 6.5 रुपए, ये 6.5 बिका है। और सर संभल का जो आलू है वो तो थोड़ा महंगा बिक रहा होगा। थोड़ा ठीक बिक रहा है, वो 7-8 के बीच में बिक रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी तो ठीक है, साइज मोटा है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। कच्चे में जितना साइज मोटा होगा, अच्छा जी, हाँ वो ठीक बिकेगा, और छोटा साइज नहीं होगा। बिल्कुल, मोटा अगर ज्यादा हो भी ना, लेकिन उसमें गुल्ला साइज नहीं हो, जैसे इसमें साइज है ना, ये साइज अगर नहीं हो ना, ये साइज निकल जाए तो एक क्वालिटी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये साइज जैसे उसमें भी छोटे हैं, अब वो साइज छोटी आ रही है सर। हाँ, अगर ये साइज नहीं होगा तो ग्रेडिंग अभी नहीं होगी, अभी कच्चे में तो किसान सब लाता है। बिल्कुल। जैसे पकना शुरू होता है, ग्रेडिंग शुरू हो जाती है, तब थोड़ा क्वालिटी बनती है। क्योंकि सर आपके यूपी साइड के किसानों की डिमांड हो गई थी कि आलू के वीडियो प्रॉपर बनाया करो, बिल्कुल सही बात प्याज है। बनाते हो? नहीं, सही बात है, आलू का ही बनाओ, प्याज का भी बनाओ। तो मगो शुरुआत करेंगे अब। तो सर जैसे मान लो अभी आगरा का कितनी गाड़ी आ रही है? आगरा से तो मानो आप टोटल आगरा डिस्ट्रिक्ट बात करें तो 5-7 गाड़ी आ रही है। 5-7 गाड़ियां अभी क्या है कि शुरुआत होगी। अच्छा जी। अभी नहीं है, 5-7 गाड़ी आ रही है, संभल से करीब करीब आ रही है 15-20 गाड़ी। संभल से 15-20 गाड़ियां, और ऐसे ही मैनपुरी से 10-12 गाड़ी आ रही है। अच्छा जी अच्छा। और हरियाणा से भी 10-12 गाड़ी आ रही है, ऐसे टोटल मिला करके आज 55 गाड़ी से, अभी तो बाद में और आ गई। बिल्कुल, सुबह 55 गाड़ी थी, अभी 5-7 गाड़ी और हो सकता 60 गाड़ी हो गई होंगी। 60 गाड़ी, तो आज बैलेंस रह जाएगा मेरे ख्याल में, 10-15 गाड़ी बैलेंस रहेगा। पंजाब से नहीं आ रहा होगा सर? पंजाब से नहीं आ, पंजाब की डिमांड जब हरियाणा शुरू हो गया ना। अच्छा जी। पहले पंजाब ज्यादा चलता था, पहले शुरू में पंजाब आया था। हाँ, शुरू पंजाब आता है, फिर हरियाणा जब चालू होता है ना, तो एक तो हरियाणा का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ता है पंजाब से। बिल्कुल बिल्कुल। ये रात रात में जल्दी निकल जाए, रात मंडी होती है, बहुत तीसरे दिन मंडी होती है, सुबह मंडी दूसरे दिन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहाँ का थोड़ा सा ट्रांसपोर्टर महंगा पड़ता है। अच्छा, ये क्वालिटी थोड़ी कच्चे में हरियाणा का क्वालिटी ठीक आती है शुरू शुरू में, अभी तो हरा भी ज्यादा आ रहा है, चेचक भी उसमें हो गया, चेचक जो हो जाती है ना, जो कीड़ा लग जाता है उसको चेचक बोल देते हैं। बिल्कुल, उससे भी थोड़ा क्वालिटी हल्की हो जाती है। अभी तो 4-5 रुपए किलो बिक रहा है ज्यादातर। बिल्कुल सर, ज्यादातर 5-5 बिक रहा है सर। जैसे पीछे मंडियों की बात करें, यूपी की जो मंडियां हैं, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जिसमें फरुखाबाद भी है, कानपुर ज्यादा बड़ी मंडी है,
और कन्नौज भी है ना, कन्नौज है पर कानपुर वहाँ, उसमें यूपी में बात करें पूरी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मंडी वहाँ कानपुर है। अच्छा जी, वो 400-500 कानपुर वाली है, कानपुर। अच्छा जी, सबसे बड़ी मंडी वो है, वहाँ से जैसे पूरा बिहार जाता है, बंगाल भी जाता है, वहाँ से जैसे वहाँ अपने नेपाल तक माल वहाँ सप्लाई होती है। बिल्कुल, तो वहाँ से 300-400 गाड़ी की खपत हो जाती है। अच्छा जी, तो वहाँ पैकेट के हिसाब से बिकता है कुछ ऐसे? तौल से बिकता है, तौल से बिकता है। अच्छा जी, अच्छा। और अपने यहाँ पैकेट तो दिल्ली बिकता है। अच्छा, पैकेट दिल्ली से बिकता है, वो एक एवरेज बना लेते हैं। अच्छा जी, दो चार कट्टे बीच में से कहीं तोल लेते हैं और उसका एवरेज बना देते हैं, वो पैकेट से भाव कर लेते हैं। वो पैकेट यानी 50 केजी का हिसाब से लगभग जो भी है वो बना, पैकेट बना लेते, पैकेट से। और अपना केजी के हिसाब से, अपना केजी तोल के है। बिल्कुल, जो जैसे अभी 50 किलो 500 ग्राम तो उतना ही बोला जाएगा, बिल्कुल 50-900 है तो 50-500 बोला जाएगा। बिल्कुल, यानी आधा किलो बांड लगेगा, आधा किलो से अगर 1400 ऊपर है या कम है तो वो नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल। और सर इसमें जब जो किसान भाई मंडी में जो आलू लेके आते हैं तो उनका तो कोई खर्चा नहीं लगता होगा? उनका कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि अपन कमीशन और जो मंडी यूजर चार्ज है या किसान क्लच और के बोलते तो वो तो लेते हैं अपन ग्राहक से। अच्छा जी, किसान को सिर्फ 5.5 रुपए की मजदूरी है, 5.5 रुपए की उतराई और तुलाई हमाल की मजदूरी है सर। हाँ बस वही है और कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको जब कहीं भी माल बेचोगे तो तोल के तो आपको देना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने किसान खेतों बेचेगा तोल के देगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो तुलाई और उतराई उनकी है, बाकी किसान पे कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। और यहाँ पे आराम से लाके कोई रहने उने की सारी व्यवस्था है, कमरे बने हुए हैं, लेट बात है, अगर खाना भी हम उनको किसानों को खाना भी खिलाते हैं, चाय आप सब खिलाते हैं, पूरा सम्मान करते हैं किसानों को, लेकिन किसानों को मिल कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल सर, 5 से 8 रुपए किलो में कुछ नहीं मिल रहा है, आलू कम से कम 10 रुपए तो वो खेतों पड़ता है उसको कम से कम, उसके बाद जो खर्चे हैं बारदाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर है, ये एक्स्ट्रा हो जाती है। अभी 5 रुपए किलो आलू बिकेगा तो 5 रुपए मतलब 3 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो भाड़ा हो जाता है। बिल्कुल सर, बारदाना हो जाता है, 3 रुपए किलो का तो खर्चा ही हो गया, उसका खर्चा हो गया घर से लेकर मंडी तक, और 5-6 रुपए बिकता है सर उनका। और 2 रुपए किलो में क्या आलू पैदा कर लोगे आप? बिल्कुल, कोई भी अगर कहे की 2 रुपए किलो आलू पैदा कर लेंगे हो जाएगा तो बता दो आप। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, सारी चीज महंगी है भाई, देखो बिजली चलो कहीं किसानों को फ्री मिल रही है नहीं मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन आपको खाद है, बिल्कुल डीजल ट्रैक्टर जुताई है, लेबर है, ये तो आपको देना ही है, ये देना ही देना है सर। तो इन भावों में कुछ नहीं मिल रहा है किसानों को, किसान गर्त में पिछले साल भी मंदा रहा, अभी जो हालात है अभी भी लग रहा है, अभी तो मंदा ही लग रहा है। अब देखो महीने और बाद पता चलेगा एक्चुअल पोजिशन, जब पक जाएगा आलू तब निकलेगा। अभी सारी देशावर में कहाँ कहाँ कैसे है, जैसे बंगाल में कैसा आलू है, इधर इंदौर में कैसा है, पंजाब में कैसा है, उत्तर प्रदेश में कैसा है, सारा आकलन होगा तब पता चलेगा कि आगे क्वेश्चन क्या है। लग ठीक रहा है वैसे, ठीक रहना चाहिए इस साल, बिल्कुल पिछले से अपेक्षा ठीक रहना चाहिए, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी हो ही कहना। बिल्कुल, तो सर यूपी के जो किसान भाई हैं आप भी आगरा के हो तो उनको क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूंगा देखो जैसे जिनको कच्चा निकलना है, कुछ क्या दो फसल करते हैं किसान हमारे यहाँ, वो क्या करते हैं कच्चे में जैसे आलू खोद दिए तो उसमें कुछ गेहूं कर दिए या जो कुछ और चीज कर देते हैं, जैसे खीरा है या कोई खरबूजे है या मिर्ची है, वो लगाते फसल, उनको तो खोदना ही खोदना है। अगर जो देख रहे हैं तो वो थोड़ा दिन पकने पर देखें, पर अभी कच्चे में ज्यादा मंदी में नहीं निकाले, हो सकता है जैसे ही कोल्ड का चालू होगा तो आलू 10-11 रुपए किलो पहुंचेगा। बिल्कुल सर, अभी मेरे ख्याल में 15 दिन बाद भाव बढ़ना चाहिए, जो जैसे पकना शुरू होगा, ग्रेड शुरू होगी, 10-11 रुपए किलो आलू बिकना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर, और आपके बार सर झुलसा जो रोग है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है सर। वो कहीं हर जगह डिपेंड करता है, कहीं के क्षेत्र में है कहीं नहीं है। अच्छा जी, उसका वो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इसलिए जहाँ से मैं नहीं आया कि भाई ज्यादा रोग है, मैं कई लोग कई क्षेत्र में बात होती है कहीं कहीं गए। बिल्कुल, जैसे एक घर में 4 बच्चे तो एक असर हो जाता है, एक चपराज हो जाता है, वो कंडीशन है। बिल्कुल, कहीं कहीं नजर आ रहा है, कहीं कहीं ऐसा नहीं है, एरिया में ऐसा नहीं है कि उससे कोई नुकसान नहीं है ज्यादा। बिल्कुल, तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम 9214051551 शिव संग्रह। चलो जी, धन्यवाद सर आपका।